हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाबर अश्वगंधा सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डाबर अश्वगंधा सिरप को कैसे लेना चाहिए और डाबर अश्वगंधा सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और यही डिस्कस करेंगे कि डाबर अश्वगंधा सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डाबर अश्वगंधा सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। डाबर अश्वगंधा सिरप एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग महिलाओं की बहुत सी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा सिरप का उपयोग महिलाओं में हार्मोन असंतुलन होने पर, मासिक धर्म रेगुलर न आने पर, मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने पर, मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द, सिर में दर्द और कमर में दर्द होना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए डाबर अश्वगंधा सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डाबर अश्वगंधा सिरप महिलाओं की शारीरिक कमजोरी को दूर करके महिलाओं की स्ट्रेंथ व स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करती है। जिन महिलाओं का पाचन तंत्र कमजोर है और जिन महिलाओं को भूख कम लगती है, डाबर अश्वगंधा सिरप ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। डाबर अश्वगंधा सिरप भूख को बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। डाबर अश्वगंधा सिरप शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ावा देती है और शरीर में थकान रहने की समस्या को दूर करती है। यदि किसी महिला को व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी आने की समस्या है तो डाबर अश्वगंधा सिरप सफ़ेद पानी आने की समस्या को भी ठीक करती है। महिलाओं में हार्मोन असंतुलन होने पर बालों का जड़ना, हर समय थकान महसूस होना, सिर दर्द रहना, बालों का सफ़ेद होना, मासिक धर्म का समय पर न आना, चेहरे और शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक होना, हाथों या पैरों में दर्द रहना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, किसी काम में मन न लगना, नींद कम आना, वजन का बढ़ना, जोड़ों में दर्द व अकड़न रहना आदि लक्षण महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस होने पर हो सकते हैं। डाबर अश्वगंधा सिरप शरीर में हार्मोन के लेवल को सही करके इन सभी लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है। डाबर अश्वगंधा सिरप ऑस्टियोपोरोसिस होने से भी बचाव करती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। महिलाओं में मेनोपॉज यानी मासिक धर्म परमानेंटली बंद होने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। डाबर अश्वगंधा सिरप के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो यूट्रस और ओवरी की सूजन को कम करते हैं। डाबर अश्वगंधा सिरप PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को ठीक करने में मदद करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाबर अश्वगंधा सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डाबर अश्वगंधा सिरप को खाना खाने के 20 मिनट बाद लेना रिकमेंडेड होता है। डाबर अश्वगंधा सिरप की 15 से लेकर 30 ml सिरप को दिन में 2 बार सुबह व शाम को लेना रिकमेंडेड होता है। डाबर अश्वगंधा सिरप को समान मात्रा में पानी में मिलाकर लेना चाहिए। जैसे यदि आपने 15 ml डाबर अश्वगंधा सिरप को लेना है तो उतनी ही मात्रा में उसमें पानी मिला लेना चाहिए और उसके बाद डाबर अश्वगंधा सिरप को लेना चाहिए। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए डाबर अश्वगंधा सिरप को लगातार 2 से लेकर 3 महीने तक लेना रिकमेंडेड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाबर अश्वगंधा सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डाबर अश्वगंधा सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डाबर अश्वगंधा सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डाबर अश्वगंधा सिरप को नहीं लेना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें तो डाबर अश्वगंधा सिरप एक आयुर्वेदिक दवा है और डाबर अश्वगंधा सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट नोटिस नहीं किए गए हैं, लेकिन ज्यादा डोज में डाबर अश्वगंधा सिरप को लेने से नोजिया और वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। यदि आपको डाबर अश्वगंधा सिरप को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डाबर अश्वगंधा सिरप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके